आप लोगों को तकलीफ इस बात की दी गई यहाँ आने के लिए कि कल एक वो लक्ष्मी चौतरा मंदिर के पास में कब्जा कार्रवाई अमल में लाई गई थी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को ये रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस ज़मीन पर कब्जा कार्रवाई की गई थी वह पूर्णतया कानूनी रूप से और कानून के दायरे में रहकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में अमल में लाई गई थी। कुछ सोशल मीडिया पर और उसमें हमारे को पढ़ने में भी और देखने में मिला कि वो मंदिर की ज़मीन है, कि मंदिर की ज़मीन पर कब्जा तोड़ा गया। नंबर एक तो उसके पश्चिमी साइड में खाली ज़मीन रखी है, उसके बाद मकान बने हुए हैं, उसके बाद मंदिर की सीमा शुरू होती है। दूसरा 8/9/2010 को यह ज़मीन जिस पर कब्जा कार्रवाई अमल में लाई गई थी पूरे 13 साल पहले ये पुलिस विभाग के हिब्बानामा, जिसको इंग्लिश में गिफ्ट डीड या दान पात्र के हिसाब से जो ज़मीन दी जाती है उस हिसाब से ये ज़मीन पुलिस विभाग के नाम रजिस्ट्री हुई, और जो भी कार्रवाई की गई है वो कानूनी रूप से की गई है। किसी भी तरह से इसमें जाति धर्म या किसी और तरह से किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, क्योंकि ये ज़मीन पिछले 13 वर्षों से पुलिस के नाम ही है। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉर्ड इंतकाल और जमाबंदी के मुताबिक पहले भी हमारे जो एचपीएससी है, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, उसने उसको हमने निर्माण कार्य के लिए भी कहा था, तब उन्होंने भी बताया था कि इस पर पूर्णतया खाली करवाया जाए और पूरी तरह से ये भार मुक्त नहीं है, इस पर कब्जा किया हुआ है। उस समय हमें बताया गया था, मैं तो नहीं था यहाँ पर उस समय, ये जो दीवार और गेट बना हुआ था उस समय ये दीवार और गेट भी नहीं था। जैसे आप लोगों को कल भी देखने को मिला होगा कि वो नया बना हुआ था, मतलब ये काफ़ी पुराना नहीं था वो। तो आप लोगों से हम यही बताने के लिए आप लोगों को अब बुलाया गया है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो हमें कानूनी तौर पर और कानून के दायरे में रहकर ही की गई है। और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल? सर, आपने कहा कि मीडिया में गलत खबर चल रही है, कहीं सोशल मीडिया आपके पास, कल हमने भी पूछा था और हम ही थे, आपने ये कहा था कि आपको क्यों दिखाऊं और आज नहीं, आप प्रूफ दिखा रहे हैं। नहीं, कल आपकी वीडियो है हमारे पास। हाँ, हाँ। और आपने कहा कि नहीं, आपके पास कोई कागजात था ही नहीं कल जो आपने कार्रवाई करने के उस पे कहा था, आप तो सवाल किया गया। आज आप मीडिया को ही दोषी ठहरा रहे हो कि उन्होंने गलत चला रखी है। सुनो तो, आप वो दो सवाल मिक्स कर दिए ना आपने, जो मंदिर की जमीन की बात हो रही है ना, कि मंदिर की संपत्ति नहीं, आपने पहला किया कि मीडिया में गलत खबर चल रही है, आपके पास कल कागजात थे कि आपने कार्रवाई की और आपके पास स्टे की जानकारी आने के बाद आपने कार्रवाई की। नहीं नहीं, हमारे पास कोई स्टे की जानकारी नहीं थी उस समय, ना ही जो पक्ष कह रहा था कि हम स्टे लेकर आए हैं, आप लोग वहीं पर मौजूद थे। किसी ने कोर्ट के किसी भी कोर्ट के स्टे का कोई ऑर्डर हमारे को नहीं दिया। आपके नायब कोर्ट ने फोन किया है थाना प्रभारी को, फोन 2:30 बजे नायब कोर्ट जो वकील ने बताया मीडिया को, नायब कोर्ट की तरफ से नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 12 साल से कोई अपनी जमीन पर कब्जा नहीं ले रहा तो कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा कर। नहीं सर, ऐसी क्या आफत आ गई थी? कौन सी कल ऐसी क्या आफत आ गई थी? पार्टी वो ये कह रही थी कि हमारी सटे मिल गया है। नहीं, नॉर्मली बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, पार्टी कह रही थी कि हमें सटे मिल गया कहने में आप नहीं। वो पार्टी ने जिस रोज 2:15 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, 10 मिनट का नाम ले रही थी पार्टी उनको कि 10 मिनट में आपको कॉपी दे देंगे, 10 मिनट में आपको कॉपी दे देंगे। बाद में उन्होंने वेट की, पार्टी के कहे मुताबिक स्टे की कोई कॉपी कोई ऑर्डर किसी भी कोर्ट का दिखा नहीं सके। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को आपने कहा, उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा है
कि इसको तोड़िए सर? नहीं नहीं, आपने की मजिस्ट्रेट को कहा कि चल कार्रवाई शुरू करो, की कॉपी शाम को छह बजे आई है और जबकि अब बिना पूरा कब्जा लिए वहां से चले गए, सामने वाली दीवार तोड़ के खाली। कौन से सामने वाली दीवार? सिर्फ एक दीवार तोड़ी है, तो आपने कब्जा कार्रवाई पूरी क्यों नहीं की? सामने वाली तो दीवार थी, वो गेट में तो अंदर जा रहा है, तो कब्जा पूरा कार्रवाई आप अपना नहीं, जो आप निशान नहीं तो करके आएंगे, कुछ तो लगा के आएंगे, पुलिस की जमीन है। सुनो तो, आपको रिप्लाई दे रहा हूँ मैं, निशान दे प्रॉपर होगा पेमाइश करके, किसने किया अभी तक नहीं हुआ? नहीं, सुनो तो, वो इसमें मेंशन है रजिस्ट्री में, नहीं मौके पे आपने दीवार तोड़ी, वो मेंशन है इसमें, आप कह रहे हो कि हमारे पास 6 बजे कॉपी आई, तो आप वापस? मैं नहीं कह रहा, देखो आपने सुनो तो आप अपने शब्द मेरे मुंह मत डालो ना, इन भाई ने कहा है कि मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। अभी इधर से आवाज आई थी भाई की कि 6 बजे स्टे कॉपी आई है, आप मेरी तरफ से डाल रहे हो कि आपने कहा 6 बजे स्टे कॉपी, मैंने नहीं कहा। नहीं, वो हम कह रहे हैं। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पास स्टे की कॉपी अभी तक नहीं आई है? नहीं, आ चुकी है। कितने बजे आई? मेरे को तो आज मिली है। कहने का मतलब स्टे की कॉपी शाम को कह रहे 6 बजे आई है, उससे पहले कार्रवाई आपने एक दीवार तोड़ के क्यों रोक दी? नहीं, जितनी आप कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, जितनी भी हम कार्रवाई जरूरी समझी थी, उतनी वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने जितनी जरूरी कार्रवाई समझी उतनी उन्होंने कर दी, ठीक है, उतनी उन्होंने कर दी। अब हम इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, कानून के दायरे में रहते हुए जो पेंडिंग काम होगा वो करवाया जाएगा। सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि मेरे पास कोई, मैंने इनको ऑर्डर नहीं दिया, मैं तो लो ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आया हूं, जल्दबाजी में मेरे को नियुक्त किया गया है, जो पहले ड्यूटी मेरे को ये जगह का मालूम ही नहीं है, कितनी जगह यहां पर मुझे कब्जा करवाना है। अब ये तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब बता सकते हैं ना कि उनको जल्दबाजी में नहीं, आपके पास भी तो ऑर्डर होंगे सर, पहले और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर थे, ऑर्डर हैं उनके पास भी तो ऑर्डर थे, पहले तो ऑर्डर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट आने थे ना यहां, हां वो छुट्टी पे चले गए, पुलिस जो भी था वो क्या थी, मतलब कल ही में दूसरा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं नहीं इसी डेट है ना, हां आर्गुमेंट की डेट है, ट्रायल पे है केस तो, हां लेकिन स्टे नहीं था ना, स्टे नहीं था, स्टे रोक नहीं थी किसी कार्रवाई की तरफ से। सर वकील ने बताया कि स्टे 2:30 बजे हो गया, आपकी कब्जा कार्रवाई उसके बाद? नहीं नहीं, 2:30 बजे सुनो तो, आप लोग नहीं नहीं देखो मेरी बात सुनो, आप लोग भी वहीं थे 2:30 बजे, जो ये बता रहे हैं कि 2:30 बजे स्टे के ऑर्डर हो गए थे, कोई कॉपी नहीं थी, वर्बली तो कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है, माननीय न्यायालय में जब ऑर्डर कराया है 2:30 बजे, तो ये बता रहे आप लोग 2:30 बजे ऑर्डर कर दिया था, को इन्होंने कोई कॉपी नहीं दिखाई दूसरे तो पक्ष में, आपने कब्जा कार्रवाई को पूर्ण क्यों नहीं किया, बीच में क्यों छोड़ दिया, दीवार को तोड़ने से आपकी जगह तो पूर्ण नहीं हो जाती वहां से? नहीं, वो हम अपनी अगली जो भी प्रीमाइसिस है, बहुत बड़ा एरिया है, नहीं रजिस्ट्री, वही तो बात है ना, वो रिप्लाई तो वही रहना है, जो रजिस्ट्री में 50x55 की जगह दी हुई है, उसमें दिशा भी लिखी हुई है, जो डंडा लिखा हुआ, सारे कुछ लिखा हुआ है, उसके मुताबिक अपनी कार्रवाई करें।